आर्टिकल्स आते थे। टाइम बोला था ना हमारा टीवी यूनिट हमको चेंज करना है बिकॉज ये कलर हमारे बाकी फर्नीचर के साथ मैच नहीं कर रहा है, और उसके साथ सबसे बड़ा रीजन है कि हमारा ये टीवी है ना 65 इंच ना सुभाष, 65 इंच, हाँ तो ये 65 इंच का है, तो आप देख सकते हो ना सेंटर में नहीं आ रहा है, उस साइड जा रहा है, तो इसके हिसाब से हमको यहाँ पे टीवी यूनिट लेना है। तो आज कोई देखने के लिए आया था तो ये सेल ऑफ हो गया है। अभी सुभाष और अनन्या की लड़ाई हो रही, अनन्या कह रही मैं ये जो है प्रिंटर मेरे स्टडी टेबल पर नहीं रखने दूंगी, वो सुभाष वहीं रखने के लिए लेके जा रहे हैं। पढ़ाई के बीच में अनन्या का ब्रेक चला, तो यहाँ पे जितने भी सुभाष के ट्रॉफीज थे यहाँ पे रखे हुए थे। अनन्या स्टडी टेबल पे ही रहता है प्रिंटर, जब भी आपको प्रिंट निकालना होता है लैपटॉप से निकालने के लिए, वो सब हटाएंगे, चिल्लाओ मत, वो सब हटाएंगे, क्लीन करेंगे इसको। अभी फिलहाल जब तक नया टेबल नहीं आता है तब तक हमको यहीं पे मैनेज करना है इसको, तो ये सब यहाँ से हटाना पड़ेगा, है ना, प्रिंटर का सॉकेट है ना, हाँ तो एक बिल्कुल परफेक्ट जगह ही यहाँ के लिए, बाकी सब सेट करेंगे एक बार नया वो आ जाएगा, तब नया टीवी यूनिट आएगा ना नया, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से जाने वाली है उधर। ओके ऐसे मत देखो गुस्से से, चलो खाली हो गया, अभी फिगर आउट करना पड़ेगा यहाँ के लिए कुछ, वैसे दिमाग में है, लेट्स सी। The same roads every day. We both get there our own way. Thistle and an apple tree. How different two souls can be. But we both grow from the same sorrow. गुड मॉर्निंग माई लवली एम बी फैमिली, आई रियली होप आप सब बहुत ही अच्छे हो। सो अभी जस्ट जिम से आई हूँ और अनन्या सुभाष नहा रहे हैं, अनन्या दरवाजा नॉक किए जा रही है, आज अनन्या की जल्दी छुट्टी होगी बिकॉज उसका एग्जाम चल रहा है और अनन्या का पेपर बहुत अच्छा हुआ है आज, इसीलिए ये सब अच्छा हुआ, सब सही हुआ है। एक क्वेश्चन के अलावा अच्छा, सो हमने क्या है ना सब्जेक्ट्स बांट लिए, मतलब कुछ सब्जेक्ट्स मैं अनन्या को करवा रही हूँ, कुछ सुभाष करवा रहे हैं, तो आज का जो सब्जेक्ट है क्या बोला चाहिए, तो क्योंकि सुभाष का ये सब्जेक्ट था आज जो अनन्या ने किया था, इसलिए आके बार बार पापा को बताना है कि भैया पेपर बहुत अच्छा हुआ है। वो अनन्या कह रही सिर्फ एक ही गलत हुआ है, सिर्फ एक ही गलत हुआ है, उसके अलावा बाकी सब सही है, सो शी इज वेरी हैप्पी टुडे। सुभाष रेडी हो रहे हैं, अनन्या सारे क्वेश्चन पढ़ के बता रही है सब। तो यहाँ पे ले रही हूँ गुलाब के पेटल्स जो मैंने लास्ट टाइम पीसे थे, और इसको बनाएंगे हम फेस पैक, इसमें डालेंगे दही और दही का पानी भी ले लेंगे रादर देन पुटिंग एक्स्ट्रा वाटर, पानी को यूज कर लेंगे, इसको करेंगे मिक्स और थोड़ी देर ना सोख होने के लिए रखेंगे। It's a hard thing to know that your soul will stay hollow. सुभाष और अनन्या के लिए भी मैंने बना दिया पनीर पराठा, मैं खाऊंगी थोड़ा मूसली और थोड़ा सा प्रोटीन पाउडर भी इसमें मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल कस्टर्ड जैसा फील होता है। सो ये है मेरा ब्रेकफास्ट। सो मुझे लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन आया था कि मैं जो जिम करती हूँ एक्सरसाइजेस, मैं कौन से कोई चैनल किसी को फॉलो करती हूँ क्या? सो टू बी वेरी फ्रैंक, जिमिंग करते हुए मुझे बहुत टाइम हो गया है। सो स्टार्टिंग में वी हैड इंस्ट्रक्टर, तो उन्होंने काफी हेल्प करी थी मेरी, तो उसके बाद तो ये क्या होता है ना एड ऑन होते रहता है एक्सरसाइजेस। सो आई डोंट फॉलो एनी चैनल या फिर कुछ, बट येस रैंडमली कोई मुझे एक्सरसाइज मैंने कहीं देखा और मुझे उसका फॉर्म पता करना है, तो रैंडमली आई पुट ऑन यूट्यूब और फिर देखती हूँ सारे, तो जो एक्सरसाइजेस है वो देखती हूँ, प्लस आई गो टू द कमेंट सेक्शन टू चेक यू नो, क्योंकि काफी बार लोग गलत एक्सरसाइजेस दिखा देते हैं, दे डोंट नो अननोइंगली, तो कमेंट सेक्शन में पीपल कमेंट कि ये गलत है फिर सही है, तो वहां पे हो सकता है वो बंदा सही कर रहा हो सकता है गलत कर रहा हो, बट आई कैन नॉट गिव हिम द बेनिफिट ऑफ डाउट बिकॉज एक्सरसाइज के लिए फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सेम एक्सरसाइज मैं 3-4 जगह और देखूंगी, देन आई फिगर आउट की वॉट इज द बेस्ट यू नो, कौन सा सही है, मे बी ही वॉज राइट, तो 3-4 एक्सरसाइज देखते हुए आपको समझ में आ जाता है कि फॉर्म कौन सा सही है।
सो वैसे उस हिसाब से आई लर्न न्यू एक्सरसाइजेस, अदरवाइज बेसिक जो है वो काफी टाइम से, सिंस जैसे मैंने बोला मैं कर रही हूँ तो मुझे काफी आइडिया है। आज स्कूल से आते ना आते ना इन्होंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी, इतनी अच्छी बच्ची हो गई है अनन्या, रीजन बताओ ना ऐसे आते ना आते क्यों पढ़ना स्टार्ट कर दिया? क्योंकि मुझे फोन देखना है। फोन देखना है फोन की वजह से? नहीं फिर मुझे एक्चुअल रीजन बताओ ना। दोनों है, फोन देखना बर्थडे पार्टी में जाना। अच्छा तो तुमको लगता है कि तुम पूरा पढ़ के फोन भी देख लोगी और बर्थडे पार्टी में भी चली जाओगी? हाँ। चलो हो जाए तो बढ़िया है, अभी क्वेश्चन आंसर पूछेंगे तब समझ में आएगा। सो बेसिकली शाम को बर्थडे पार्टी है, इस सोसाइटी का पहला इन्विटेशन आईना को बर्थडे पार्टी का ना, वहाँ पे तो हर रोज बर्थडे पार्टीज होते थे, यहाँ पे फर्स्ट है, इट्स द बिगिनिंग। और आज बहुत स्पेशल डे है, और वो स्पेशल क्यों है? कैमरा टेढ़ा भी ठीक है। तो वो स्पेशल क्यों है? बिकॉज आज है 29th ऑफ फरवरी, लीप ईयर, चार साल में एक बार आता है। सो आज जिस बच्ची का बर्थडे है ना, तो इन्हें कहती मम्मा वो तो वन ईयर की हुई ना, मैंने कहा टेक्निकली देखा जाए तो एक्चुअली वन ईयर की है, तो उसने 4 साल पहले मनाया था बर्थडे अपने एक्चुअल डेट पे और आज मनाया, तो आज का दिन स्पेशल हुआ ना, 4 साल बाद आ रहा है, तो आप सबको भी बताना क्या होना है। 4 साल का अभी 4 साल होगी। सो बताना आपने आज स्पेशल कुछ किया, तो अगर आपको याद भी था कि ये लीप ईयर है, मुझे याद नहीं था बट अनन्या ने बोल बोल के 10 बार याद दिलवाया कि मामा लीप ईयर है आज, लीप ईयर है, स्पेशल है, तो स्पेशल तो है। सो ये देखो ये अच्छे से इसमें सोक हो गया है, अभी इसमें डालेंगे एक दो चीजें और, डालेंगे थोड़ा सा चंदन पाउडर और हम डालेंगे हल्का सा हनी, इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। सो फेस वॉश लगाने से पहले फेस को अच्छे से पहले वॉश कर लेना है, तो मैंने वॉश कर लिया है और ये मेरा फेस पैक रेडी है, इसको लगाएंगे फेस पे। सो मुझे बड़ा प्यारा सा एक और कमेंट आया था लास्ट वीडियो में कि आर यू रियली 40, बिकॉज आपके स्किन को देख के लगता नहीं है यू आर 40। सो मैंने बहुत बार बोला है आई डोंट नो इफ इट इज इन माई DNA, बट आई वुड ऑल्सो गिव क्रेडिट टू माई एफर्ट्स, बिकॉज बचपन से आई हैव ऑलवेज टेकन केयर ऑफ माई स्किन, बीट होम फेस पैक्स, और न्यूज़पेपर में आते थे, जैसे मैंने बहुत बार शेयर किया ये चीज़, न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आते थे, उस टाइम पे तो ऐसा यूट्यूब वगैरह नहीं था, न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आते थे कुछ कुछ दिन, कुछ स्पेसिफिक डेज होते थे जिसमें ये आर्टिकल्स आते थे फेस पैक वगैरह को लेके, तो मैं वो पढ़ के वो बनाती थी, वो कटिंग्स यू नो रख लेती थी कि हम क्या क्या मिक्स करके कैसे कैसे लगा सकते हैं। सो सिंस चाइल्डहुड ही मैंने वो चीज़ का ध्यान रखा है, नीम के पत्ते वगैरह वो सब कुछ जो फेस पैक्स होते हैं वो लगाया है, तो मे बी दैट हैज़ हेल्प्ड यू नो टू, क्योंकि आप स्किन केयर और हेल्थ दिस इज लॉन्ग टर्म, एकदम से आप करो और कल ही इफेक्ट आ जाए ऐसा नहीं होता है। सो मे बी वो जो बचपन से करती आई हूँ और तब से, इट इज ऐसा नहीं कि बचपन में ही किया उसके बाद नहीं किया, सो तब से लेके आज तक आई कीप ऑन यू नो डूइंग टेकिंग आउट टाइम फॉर ऑल दिस, बालों के लिए, स्किन के लिए। सो मे बी वो रीजन है यू नो दैट माई स्किन डजेंट लुक लाइक अ 40 years old स्किन। और ऐसा एक नेगेटिव कमेंट भी मुझे आया था, ये तो मुझे तारीफ तो बहुत आती है बट फॉर अ चेंज फर्स्ट टाइम मुझे एक नेगेटिव कमेंट भी आया था कि आपकी स्किन कितनी डल है, यू नो आपके स्किन में क्या क्या लिखा था कि पोर्स हैं और क्या क्या। सो आई डोंट नो इट इज, वो कहते हैं ना ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बीहोल्डर, तो आप अच्छे हो तो आपको मेरी स्किन भी अच्छी दिख रही है, मैं अच्छी दिख रही हूँ, सो आप बुरे हो तो मैं बुरी दिख रही हूँ, आई वुड नॉट से दैट। सो ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बीहोल्डर, तो आपको मैं अच्छी लगती हूँ इसके आपको मेरा सब कुछ अच्छा लगता है। सो गिवन दैट येस टचवुड माई स्किन इज गुड आई वुड से थू और मैंने केयर रखा है, हमेशा केयर करती हूँ मैं स्किन का, तो कुड बी दैट कुड बी रीजन। Does it take to be happy? How many times do you have to feel lonely before you get the chance to meet someone? Before you get to meet someone like you? How many songs can you write about heartbreak? How to go on when you're fed up with mistakes? Maybe I just found the answers. Maybe I just found the answers in you. So, आज काफी टाइम बाद मैं गिफ्ट रैप कर रही हूँ
वहाँ पे तो अनन्या का हर रोज ही गिफ्ट, ऑलमोस्ट नॉट हर रोज बट यस इट वॉज एन एग्जैजरेशन, आना पैन नहीं दिखाते थे, सो ऑलमोस्ट हर रोज मतलब गिफ्ट रैप्स होते थे। यहाँ पे पहला जैसे मैंने बोला, चलो सब कुछ रेडी हो गया, अनन्या इज नो मोर डिपेंडेंट ऑन मी फॉर लिपस्टिक। दिखाओ कैसे लगाया। नाइस, तो ये है अनन्या का फ्रॉक, सीधा दिखाओ सामने दिखाओ, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम फॉर अ बर्थडे पार्टी, ऐसा हो गया, बस इतना नहीं लगाते। तो फाइनली ये है, हेयर बैंड पहना था वो निकाल दिया, पहनती सब कुछ है, जाते जाते अनन्या सब निकाल देती है, हाँ कंफर्टेबल चाहिए होता है ना। ओके चल एंजॉय, आ जाना टाइम से, ओके मैसेज देख लेना अपने हिसाब से, पढ़ाई सब हो गई है, सिर्फ एक बार हम लोग ग्रामर चेक कर लेंगे, ठीक है, ओके बाय एंजॉय। ओके सो आज का दोपहर पूरा अनन्या को पढ़ाने में गया, इंग्लिश का कल उसका एग्जाम है तो शाम को क्योंकि उसको जाना था तो पूरा दोपहर हमने बैठ के सारा पढ़ाई करके खत्म किया। ऐसे मैंने पूरा उसके बाद कुछ व्लॉग चाय वाय पीते हुए कुछ आपको हेलो हाय नहीं किया, बस पूरा उसका कंप्लीट करवाना था उसके बाद ही उसको भेजना था, बिकॉज आई वॉन्ट टू एंजॉय, मतलब ऐसा नहीं है कि एग्जाम से तो आपका सब कुछ मैं बंद कर दूं। आई थिंक एग्जाम जितना इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें बच्चों के लिए उतनी इंपॉर्टेंट है, यू नो बर्थडे पार्टीज में जाना या फिर बाहर खेलने जाना। अभी एग्जाम्स थे पीछे, एक दिन स्विमिंग गई, एक दो घंटा बाद आई, सो आई डोंट स्टॉप हर फ्रॉम ऑल दैट, बट येस टाइम मैनेजमेंट इस हिसाब से हो कि दोनों ही यू नो इम्पॉर्टेंट आप रखो उसमें। तो काफी पेरेंट्स, देखो हर पेरेंटिंग स्टाइल सबकी अपनी है, कोई भी ये नहीं बोल सकता कि किसी और की पेरेंटिंग स्टाइल इज राइट और रॉन्ग, बिकॉज इट इज वेरी क्या बोलूं मैं, वेरी सब्जेक्टिव और चाइल्ड स्पेसिफिक, पेरेंट स्पेसिफिक। कोई भी पेरेंट ये नहीं चाहेगा यू नो उनके बच्चे के लिए कुछ गलत करना, हर कोई अपनी तरफ से अपना बेस्ट देता है, दिस इज जस्ट माय पॉइंट ऑफ व्यू मैं जो बोल रही थी। तो मैंने उसको मना नहीं किया कि नहीं एग्जाम है तो नो बर्थडे पार्टी इज नथिंग, आपको सिर्फ घर में पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। तो चलो कमिंग बैक टू दिस ब्यूटिफुल थिंग दैट आई हैव रिसीव्ड टूडे, एक्चुअली मुझे कल रिसीव हुआ था ये, तो मैंने आज सुबह खोला इसको, सो दिस इज अ वेरी स्वीट गिफ्ट सेंट फ्रॉम वन ऑफ माय सब्सक्राइबर जो मुझे देखते हैं, मेरे वीडियोस देखती हैं। सो उनका एक छोटा सा उन्होंने बिजनेस शायद स्टार्ट किया है, तो शी वांटेड यू नो टू शोकेस फ्यू ऑफ हर प्रोडक्ट्स, सो शी हैड रिटन टू मी मैसेज मी कि इफ आई कुड शो दैट, एंड तो उन्होंने जो प्रोडक्ट्स मैं दिखाती हूँ इतने प्यारे हैं ना, आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड दिस। एक बार उस पर आते हैं, पहले ये इतना प्यारा सा उन्होंने मेरे लिए मैसेज भेजा है, सो इज फ्रॉम आरोहा, ओके सो थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग माई रिक्वेस्ट, यूर अ ट्रू जेम एंड एन इंस्पिरेशन टू ऑल द वुमेन, यू हैव टॉट मी टू बिकम इंडिपेंडेंट एंड ऑल्सो हाउ एंड वाई सेल्फ केयर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, हैप्पी वुमेन्स डे इन एडवांस, एंड अनन्या इज एन इंस्पिरेशन टू माई 4.6 ईयर्स ओल्ड डॉटर, शी लव्स हर वंस अगेन, थैंक यू, सो थैंक यू सो मच आरोहा फॉर दिस लवली लवली नोट। बहुत अच्छे लगते हैं मुझे ये इस तरह के आप जब नोट भेजते हो ना। तो उन्होंने भेजा है ये कुछ ज्वेलरी, वो ज्वेलरी का करती हैं, छोटा बिजनेस है उनका, सारे लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जितना भी मुझे उनसे मिल पाएगा तो आप उनसे यू कैन गेट इन टच, इनके हिसाब इसमें से कुछ भी परचेज कर सकते हो। आप सीन हर कैटलॉग ऑल्सो, सो वो भी बहुत प्यारे प्यारे उनके पास ज्वेलरी के पीसेज हैं। सो मैं जब भी किसी को प्रमोट करती हूँ ना, बीट एनी ब्रांड, बिग ब्रांड और स्मॉल यू नो एंटरप्रेन्योर्स जो भी जस्ट बिगिनर्स हैं, आई ऑलवेज मेक श्योर, उनसे भी मैंने बहुत बार यू नो अपना कैटलॉग भेजो, ये भेजो वो भेजो, आई ऑलवेज डू दैट बिफोर रेफरिंग या फिर बिफोर प्रमोटिंग। सो दिस इज सबसे प्यारा मुझे यही लगा, ये इयररिंग जो है ना इतनी प्यारा, मेरे इसके साथ मैच भी कर रहा है, लाइक मुझे शो यू इस साइड में बिकॉज ग्रीन बैकग्राउंड में बहुत प्यारा लग रहा है। सो दिस इज द फर्स्ट पीस दैट शी हैड सेंट मी, बहुत प्रिटी सा है। नेक्स्ट है ये ग्रीन कलर का, दिस वन चांद बालियां बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं आई हैव नो आइडिया। इसमें बहुत सारे कलर्स उनके कैटलॉग में, क्यों गो ना, देर आर मेनी कलर्स इन दिस, वाइट, लाइट ग्रीन, बिल्कुल पर्ल, और वो काफी सारे अलग अलग कलर्स के हैं, सो यू कैन गो अहेड विद दैट। आई थिंक ये वाला क्यूट सा छोटू सा उन्होंने अनन्या के लिए भेजा होगा, पहन तो मैं भी सकती हूँ, ये इतना क्यूट सा है और पीछे इसके ऐसा डिजाइन है, ओके ये वाला ऐसा, सो दिस इज वेरी प्रिटी एंड बैंगल्स, और परफेक्ट मेरे साइज के हैं, मुझे ऐसा लग रहा था कि बैंगल्स आएंगे कहीं ऐसा वो मेरे साइज का ना हो। दीज आर द बैंगल्स, वेरी प्रिटी, सारे कलर्स हैं इसमें आपके एथनिक वेयर में जितने भी कलर्स आते हैं। सो ये है इयररिंग, एक मैं आपको लगा के दिखाती हूँ कि आपको दिखता कैसा है। सो दिस इज द प्रिटी प्रिटी इयररिंग। सो इनका जो पेज है या फिर जो भी इन्होंने मेरे साथ, आई हैड आस्क्ड फॉर द लिंक कि यू नो इनकेस मेरे व्यूअर्स आपको
यू नो इफ दे वॉन्ट टू गेट इन टच. सो लिंक्स क्या है तो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ. नाउ कमिंग टू अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे मैं थोड़ी सी बातें करने वाली हूँ, थोड़ा लंबा होगा. अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो यू कैन स्किप दिस पार्ट कम्प्लीटली. सो बेसिकली कमिंग टू प्रमोटिंग स्मॉल बिजनेसेस, आई हैव ऑलवेज सपोर्टेड. जिन्होंने भी आप में से मुझे मैसेज किया है कि यू वॉन्ट टू प्रमोट योर प्रोडक्ट वगैरह, तो आई हैव ऑलवेज सपोर्टेड. नाउ दो चीजें हैं जिसकी वजह से आई हैड स्टॉप डूइंग दिस. बीच में मैसेजेस मुझे आते थे, दीदी यू नो दिस एंड दिस, आई हैव अ बिजनेस, यू नो आई वांट टू शेयर माय प्रोडक्ट्स, ये वो. एंड आई ऑलवेज बीट आप में से कोई, या फिर बीट फ्रॉम माय फ्रेंड्स भी नहीं बोलूंगी, फ्रॉम नोन पीपल हु नो दैट आई एम एन इन्फ्लुएंसर करके. सो वो आते हैं जब मेरे पास, तो आई एम ऑलवेज लाइक सेंड मी योर कस्टमर के कुछ फीडबैक है तो. क्योंकि बड़े ब्रांड्स जब होते हैं, मेरे पास इतने ब्रांड्स आते हैं ना, मैं इतने सारे ब्रांड्स को ना बोलती हूँ, वो आप लोगों को पता नहीं चलता है, बिकॉज वो ब्रांड्स कभी मैं दिखाती नहीं हूँ. देर आर मेनी ब्रांड्स विच आई डोंट बिलीव इन, मेनी थिंग्स विच आई डोंट बिलीव इन, तो मैं जबरदस्ती सिर्फ पैसे के लिए मैं वो आप पे फोर्स कर दूँ, आई डोंट डू दैट. सो जब भी मैं किसी ब्रांड का करती हूँ, आई मेक श्योर मैं पूरे रिव्यूज उनके देखूँ, आई यूज दैट प्रोडक्ट फॉर सम टाइम एंड देन आई गिव यू द रिव्यू. वैसे ही आई वॉन्ट विथ स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स जो भी हैं, मतलब आपका स्मॉल बिजनेस है, जस्ट फॉर सपोर्टिंग सेक आई कैन नॉट प्रमोट अ रॉन्ग या फिर अ प्रोडक्ट विच आई डोंट लाइक, ठीक है, उस हिसाब से. तो दो तीन मुझे पीछे मैसेजेस आए थे. तो पहला तो है, व्हेन यू नीड अ हेल्प सी यू हैव टू आस्क फॉर हेल्प. आप ठीक है, आप ऐसे नहीं बोल सकते ओके मैं तो आपको प्रोडक्ट ही भेज रही हूँ, आपको तो सिर्फ दो मिनट दिखाना ही है मेरा प्रोडक्ट. दिस कैन नॉट बी योर एटीट्यूड, बिकॉज वी एज एन इन्फ्लुएंसर हैव बीन इन टू दिस वर्क सिंस 3-4 years. मेहनत गई है तभी वी गेट पेड फॉर दैट. आप सोचो आप रस्ते में जाओगे, कोई आपको 1 रुपया देगा फ्री में, सो वाई डज ब्रांड पे अस अगर हम बस फ्री में ऐसी 1-2 मिनट में बुक कर देते हैं. देर हैज बीन वर्क, देर इज लॉट ऑफ वर्क, एवरीथिंग गोज इन टू दैट. सो इट इज नॉट कि आप मुझे प्रोडक्ट दे रहे हो एंड वी आर हंग्री फॉर प्रोडक्ट्स, आप प्रोडक्ट दे रहे हो मैं तो बस दिखाना है, इट इज नॉट दैट. If you are asking for help, ask for help. ऐसे नहीं कि मुझे मेरी help कर दो please, you know, that pleading. नहीं, not that. But there is a request. Ma'am, can you please show my products? ये है मेरा catalog. See the products. If you like it, please share. This is how you ask for help. Pleading नहीं, don't take me wrong in that way. But there has to be a कि भैया आप मेरी help कर दो please, you know, in a way कि भाई सपोर्ट मी दैट. ऐसा नहीं कि मैं तो आपको प्रोडक्ट्स भेज रही हूँ, आपको तो मिल ही रहा है तो आपको सिर्फ 1-2 मिनट दिखाना है, दैट कैन नॉट बी द एटीट्यूड. और क्या होता है, 2-3 बार लोगों ने मुझसे एड्रेस लिया, यू नो आफ्टर एवरी कन्वर्सेशन मैंने वाज लाइक ठीक है फाइन बिजनेस अच्छा होगा, लेट मी शेयर, ओके आई विल शेयर करके, एंड देन दे आर रफू चक्कर. सो जस्ट टू नो वेर आई स्टे, विद सोसाइटी आई स्टे, आप ये यू नो यू आर डूइंग ऑल दिस. सो आई डिड नॉट फाइंड दैट वेरी कम्फर्टेबल एंड आई डिड नॉट लाइक दैट, तो इसलिए बिल्कुल मैंने बीच में स्टॉप कर दिया था. तो बट देन बिकॉज ऑफ दैट सर्टन जो पीपल डिजर्विंग है हु वॉन्ट देयर बिजनेस टू बी प्रोमोटेड, इट वॉज लाइक तो मुझे लगा कि चलो लेट मी जस्ट गो ऑन विद दिस, अगर मुझे अच्छा लगेगा तो आई विल प्रोमोट. सो जस्ट बिकॉज ऑफ सर्टन बैड एक्सपीरियंसेज आई वॉज लाइक कि जो लोग डिजर्विंग है उनका ना करना इज ऑल्सो नॉट राइट. सो ठीक है यू नो कर देते हैं, मे बी यू नो आई कैन हेल्प. अगर आप में से किसी की भी हेल्प हो जाती है इससे, आई डोंट नो हाउ मच इज दिस गोइंग टू हेल्प, मतलब कितना हेल्प करेगा, मेरे बोलने से कोई फर्क पड़ेगा, कुछ हेल्प होगा कि नहीं होगा, बट आई वुड डेफिनेटली से सपोर्ट यू नो अदर वुमेन हु आर ट्राइंग टू डू देयर बेस्ट. जैसे आप इयरिंग्स वगैरह तो लेती हो एंड दीज आर सच प्रिटी इयरिंग्स एंड एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट, सो आप उनका कैटलॉग चेक कर लेना, यू कैन गेट ऑल द रेट्स, सो वाई नॉट सपोर्ट देम, है ना. सो या दैट इज वाई आई एम शेयरिंग. तो आप में से किसी का रहेगा तो आई विल डेफिनेटली शेयर, बट ऐसा नहीं ये जैसे मैंने मुझे प्रोडक्ट्स कल रिसीव हुए थे, सिंस आई वाज व्लॉगिंग टुडे तो आई शेयर्ड इट टुडे. तो ऐसा नहीं कि आप प्रोडक्ट भेजो तो इमीडिएटली कब शेयर करोगे, कब शेयर करोगे, इट टेक्स टाइम समटाइम्स कि भाई थोड़े टाइम बाद जाके आप शेयर करते हो, बिकॉज एकदम से कुछ जैसे सोप वगैरह काफी एक आए थे मुझे, तो यू डोंट अनलेस यू यूज दैट थिंग, हाउ डू आई गो अहेड एंड टेल कि अपने व्यूअर्स को कि ले लो बहुत अच्छा है, यूज करने के बाद ही. सो दैट प्रोसेस टेक्स टाइम. सो यही बोलना था मुझे. तो या चलो बहुत लंबा हो गया ये वाला पार्ट, तो आई होप आई मेड माई पॉइंट क्लियर. सो यही बोलना था मुझे आपको कि वी आर इन्फ्लुएंसर्स, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1-2 मिनट ही आपको लगते दिखाने में, इसी चीज का ही यू नो ब्रांड पेज अस. सो इफ समबडी इज हेल्पिंग यू आउट, सो अप्रिशिएट दैट, बिकॉज दे एक्चुअली जेन्युइनली वॉन्ट टू हेल्प. बिकॉज इस वीडियो में इतना बड़ा पार्ट आई हैव गिवन टू समवन फॉर अ रीजन, मैं इसमें कुछ और शो कर सकती थी, सो जस्ट ट्राइंग टू मेक माई पॉइंट. तो चलो इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, बहुत बड़ा हो गया वाला पार्ट, बट इट हैड टू बी क्लियर. सो सी यू अगेन अंटिल नेक्स्ट टाइम, टिल द न्यू ऑल, टेक केयर एंड स्टे सेफ. एंड बहुत सारे बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं इस टाइम पे, आप लोगों के मैसेजेस आते हैं आंटी मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक बोलिए. सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, डरो मत, अच्छे से पढ़ाई करो, एग्जाम तो उसके बाद तो मस्त छुट्टियां हैं, वो जो पीस वाली छुट्टियां होती है ना, जब आपके कुछ भी पढ़ाई नहीं होती, बिकॉज आप
एक स्टैंडर्ड से निकले हो, दूसरे स्टैंडर्ड में जाने वाले, आपके पास बुक्स भी नहीं होते, कुछ भी नहीं होते, बेस्ट टाइम ऑफ द ईयर। सो चलिए आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। सी यू अगेन अंटिल नेक्स्ट टाइम, टिल द न्यू ईयर, टेक केयर एंड स्टे सेफ, बाय बाय।